मुसीबत में सच्चा मददगार मौला। भाई ने एक सवाल किया कि कब्रिस्तान से जब लोग आते हैं तो कहते हैं उसकी मिट्टी घर नहीं आना चाहिए, लिहाजा वो समझते उसी के लिए शरीयत ने वजू का और गुसल का हुक्म दिया। और बहुत से लोग मैंने सरकारी हैंडपम्प पे गुसल करते हुए देखा, शर्ट उतार देते हैं और पैंट वहीं बड़े आते हैं उसके नीचे और पूरा नहाते, बोलते नहीं मिट्टी भी नहीं आना। देखिए यहाँ जो हदीस में बात बयान की जा रही है, ये आम एतबार से जो धूल मिट्टी उड़ती है मुस्तहब है कि वजू कर ले इंसान, जनाजे को ले जाने में धूल उड़ेंगी, खबर खोदने में उड़ती है, दफनाने में उड़ती है, उस एतबार से, ना कि ये कि खबर की मिट्टी घर नहीं आना उससे फलां होता और फलां होता, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ तहारत और सफाई के एतबार से याद रखें। एक मसला जो बहरहाल तकरीर में बहरहाल मैं पिछली बार लिया था फिर भी रखना मुनासिब समझता हूँ, इस्तेहाजा वाली औरत का मसला जिसको हैज़ या निफास का खून नहीं है लेकिन उसके अलावा आता है, उनके लिए याद रखिए कोई गुस्ल नहीं है, वो मुस्तहब है सिर्फ गुस्ल कर सकती है तो, वरना वो सिर्फ उस खून को साफ़ कर ले, जिस कपड़े पर लगा उसको अच्छे से निचोड़ ले धो ले और उसके बाद वजू करके अपनी नमाज बहरहाल वो पढ़ सकती है, इसमें कोई उसमें इंशाल्लाह हर्ज नहीं। किसी ने एक सवाल किया, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें और हमारी आदत है कि